आपके ससुर आपके साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, और इसी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। हमारी सासू माँ के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था 2020 में, उसी समय हमसे उल्टी सीधी बातें करने लग गए। जैसे हम चाय लेके जाएं तो तुम हमको अच्छी लगती हो, और जो लड़की हमको पसंद आती है वो मेरी होती है, ऐसा करके बातें करने लग गए। तो हमारे समझ में आ गया कि कोई भी समझ जाएगा, लड़कियों के पास इतना क्षमता होता है कि वो समझ जाएं कि तुम हमको अच्छी लगती हो, जो लड़की हमको पसंद आती है वो मेरी होती है। दोस्तों, ये बात अगर ससुर अपने बहू को कहने लगे तो समझ लीजिए कि उसका इरादा क्या है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जो कि एक ससुर अपने बहू के साथ संबंध बनाना चाहता है। एक ऐसा ससुर जो रिश्ते को शर्मसार करना चाहता है और अपने बहू से अश्लील हरकत करता है। दोस्तों, ससुर पिता के समान होते हैं, और एक पिता अपने बहू के साथ गलत करने का प्रयास करे तो समझ लीजिए कि अब इंसानियत इंसान के अंदर से मर चुकी है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि सारी अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। दोस्तों, एक महिला का आरोप है कि उसके ससुर उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहता है, उसके साथ वह सब कुछ करना चाहता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। दोस्तों, महिला की शादी सन 2012 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद महिला के घर वालों से दहेज की डिमांड की गई। डिमांड पूरा नहीं होने की वजह से महिला के साथ मारपीट भी हुई थी, जिसमें महिला का हाथ कट चुका था। दोस्तों, महिला के दो बच्चे भी हैं। उसके पति के रहने के बावजूद भी उसके ससुर उससे गलत करने की डिमांड करते हैं। दरअसल दोस्तों, 2020 में महिला के सासू माँ की घुटना का ऑपरेशन होती है। ऑपरेशन के बाद से ही महिला के साथ अन्याय होना शुरू हो जाती है। सासू माँ की ऑपरेशन की वजह से महिला ही अपने ससुर को चाय नाश्ता लेकर जाती है, जिसके बाद अपने बहू के प्रति ससुर का नियत खराब हो जाता है। उसके बाद अपने बहू से गलत करने का डिमांड करने लगते हैं। जब महिला मना करती है तो वो ठरकी इंसान कहता है कि तुम हमको अच्छी लगती हो, जो लड़की हमको पसंद आती है वो मेरी होती है। दोस्तों, ये बात सुनते ही महिला उस ठरकी के मन में क्या चल रहा होता है सब समझ जाती है। दोस्तों, 2020 से आज तक महिला के साथ शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके वजह से महिला अपने मायके में रहती है। उसके दोनों बच्चों को उससे अलग कर दिया गया है ताकि महिला मजबूरन अपने ससुराल में आकर ससुर का डिमांड पूरा कर सके। दोस्तों, महिला थाने में FIR दर्ज भी की हुई है, लेकिन प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है और न ही उस बूढ़े पर कार्रवाई हुआ है। अब देखना यह है कि महिला को न्याय कब मिलती है। दोस्तों, मैंने जितने भी आपको बातें बताया है, यह सारी बातें महिला मीडिया के कैमरे पर आकर अपने आप पर बीती घटना के बारे में बताई है। दोस्तों, इस ससुर और बहू के बारे में आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को, इस खबर को, इस घटना को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय टाटा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे और अपनों का ख्याल रखे। थैंक यू सो मच।